तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूं गणेश डेयरी फार्म जो मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है। तो यहां पे लगभग 15 पशु होंगे अभी इस हाल में और कुछ गाय 25 लीटर प्लस करने वाली है। जो एक यहां पे आप जो सामने देख पा रहे हैं एक यहां पे है और एक उस तरफ है। तो मैं पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर गाय कहां से ख़रीदें। तो सर का कहना है कि मैं यहां से गाय भी प्रोवाइड करवाऊंगा उस किसान को जो नया फार्म करना चाहते हैं, यानी कि आप यहां से खरीद बिक्री भी किया जाएगा। जो भाई को ज़रूरत है कहीं से भी हो इनका नंबर दिया जाएगा, वो आप कॉन्टैक्ट कर लें। और कि जिस तरह की गाय भी चाहिए यानी कि 16 लीटर 20 लीटर उससे तो यहां से उपलब्ध की जाएगी। तो आइए यहां के ओनर साहब से मिलवाता हूं और पूरे फार्म के बारे में कि किस तरह से ये अपने फार्म को चला रहे हैं पूरा जानकारी लूंगा। उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि लगभग ये फार्म उस टाइम से चल रहा है जब सुधा का रेट जो है ना 9 से 10 रुपए लीटर दूध लेते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना है और अभी भी सुधा में ही दूध जाता है कुछ, और कुछ लोकल में सेल होता है। तो आइए यहाँ के ओनर से मिलवाता हूँ। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? ठीक है। पूरा एड्रेस बता दीजिए सर यहाँ का। घर हो गया साढ़ा, थाना हो गया मोतीपुर, जिला हो गया मुजफ्फरपुर, बिहार। और बियार। कितने दिन से आप इस फार्म को देख रहे हैं? ये नियर अबाउट हम देख रहे हैं करीबन 40 साल। इससे पहले आपके पापा? इससे पापा भी मेरे यही काम करते। कुछ गाय रहती थी? कुछ गाय रहती थी। और अभी भी? अभी भी हमारे पास 20-25 रहते हैं। अभी भी आप फार्म देख रहे हैं और आगे चलता? आगे चलता रहे। अपने भविष्य में क्या क्या परेशानी आती है? परेशानी इसका सबसे ज्यादा हो जाता है डेरी से दूध का रेट नहीं मिल। सबसे ज्यादा परेशानी है दूध का बिक्री। सबसे बड़ा समस्या दूध बिक्री। सर मुजफ्फरपुर एरिया में तो सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है। सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ वो शोषण करता है दूध। सुधा का जो है वो शोषण करता है। क्या दिक्कत आती है? वो दिक्कत रेट ऑफ रेट खा जाता है। क्या कारण है सर? दूध के फैट का बहाना करता है, जो फैट नहीं आता है दूध पतला हो जाता है। कहाँ पे दिक्कत है सर? कहीं फिर ले जाने कैरी करने में पास भी तो, सर आपके पास भी तो मशीन दिया गया है। मशीन दिया गया हुआ है तो रास्ते में कैरी करने में उसमें पानी को दूध को पानी करते हैं लोग, नाटक करते हैं रास्ते में ही। दूसरा बहाना क्या करते हैं लोग, यही करते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये तो फिर रास्ते में हो रहा है तो गाड़ी वाला कर रहा है। वहाँ सुधा का आदमी नहीं कर रहा है, गाड़ी वाले कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टिंग लिया हुआ है वो इस चीज को चोरी कर। तो इसका कंप्लेन किया जाता है, बदलाता है, फिर बीच में कुछ सुधार जाता है, फिर वही रास्ता आ रहा है। अच्छा ऐसा है, मतलब कंप्लेन कीजिए पीछे लगिए तो सही रहता है। फिर वही हालत। तो इस पे कुछ सुधार से हमको 30 का भी रेट मिला हुआ है, 31 का भी रेट मिला हुआ है, आज 25 का भी ले रहे हैं, 23 का भी ले रहे हैं। समस्या कहाँ है कि समस्या ये रास्ते वाले। तो मैं भी इस चीज से परेशान था। हमने एक वीडियो भी बनाया था जो वीडियो कुछ देर के लिए बंद भी कर दिया हूँ मैं उस वीडियो को। काफी दिक्कत होती थी, पर डे 100 ग्राम दूध कम हो जाना, 200 ग्राम कभी कम होता था, 2 लीटर 5 लीटर कम हो जाना। हाँ ये समस्या आता था समस्या। और कभी बढ़ जाता था। पानी मिला दिया जाता था उसमें दूध निकाल के लिमिटेड बढ़ जाना, 2-4 लीटर बढ़ जाना, इस तरह का केस हो जाता है। बिल्कुल। तो ये दिक्कत आती थी जिस पर से मैंने कंप्लेन भी किया था, इस पे बहुत बड़ा कार्रवाई भी किया गया और फिर नहीं, फिर वही हुआ। उसके बाद से तो मैं सुधा में दूध दे नहीं रहा हूँ, समस्या मेरे साथ भी आती थी। तो सर आप इसको बड़े स्तर पे नहीं बोला? बड़े स्तर पर ले जाने के स्कीम अभी भी मार्केट लाग गिरबड़ है, तो जाए कहाँ आदमी। अनएम्प्लॉयड के चलते सोचता है इस कारोबार को थोड़ा डेवलप और करो। बिल्कुल, अगर सुधा 30 रुपए तक के भी रेट मिल जाए, मेरा मतलब ये नहीं है कि 30 रुपए आप दो, ये चोरी वोरी का जो समस्या है ये खत्म भी हो जाएगा तो वो चलना फिर शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो रेट दे रही है कोई कम रेट नहीं है, 30 रुपए भी मिनिमम देगी तो वो किसान के लिए भरपाई है। हाँ, उसका बढ़िया बढ़िया गाय रखना है, 25 लीटर वाली गाय अगर रखी जाए तो मेकअप 30 रुपए में भी मेकअप कर जाएगा। बिल्कुल, तो सुधा को इस बारे में सोचना चाहिए कि सील पैक किया जाए किसान के पास, ताकि उसका दूध का कोई चोरी ना हो या फिर मिलावट ना हो। सील पैक किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। इस बारे में सुधा को सोचना चाहिए। अभी कितना दूध निकल रहा है? हमारा दोनों टाइम में अभी 1.25 क्विंटल दूध, 125 लीटर। सुधा में कितना जा रहा है? सुधा में 70 किलो जा रहा है। आप खुद का आपका कोड है? क्या अध्यक्ष आप खुद हैं? नहीं, अध्यक्ष सचिव कोड किसी और का? हाँ, बगल का हम बनवाए हुए हैं, हम अपने नाम पर नहीं रख करके, मेरा उम्र बीत गया था। ओके। तो मैं किसी और को बनवाया हूँ। एनालाइजर मशीन आप यहाँ पे फैट स्नेप चेक करके पर डे भेजते हैं? ये लगभग पर डे
चेक करके भेजते हैं पर डे। तो उसमें क्या चेंज आता है वहाँ जाने के बाद? वहाँ जाने पर यहाँ जो होता है उससे होता है क्या, थोड़ा बढ़ के वहाँ आएगा, लेकिन वो बढ़ के नहीं आके बल्कि डिटोरिएट होकर के आता है। तो इस बात को कंप्लेन होता है, सुपरवाइजर के पास हल्ला होती है डेली। तो क्या जवाब, क्या जवाब होता है? जो सुधर जाएगा, दिक्कत दूर हो जाएगी। कब होगी, कब होगी इसका सर्टेनिटी बोलते हैं मुंह से, लिखित में नहीं आ पाते हैं, इस चलते नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहूंगा अगर सुधा के कोई पदाधिकारी बड़े लेवल का कोई वीडियो देख रहे हैं तो इस पे समाधान निकालना चाहिए किसानों को इसका, क्योंकि दूध एक गाय से दूध निकालना इतना आसान नहीं है। उनको फीडिंग करवाना पड़ता है, लेबर रखकर साफ सफाई धुलवाई हर समय उसका ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके दूध निकलती है। मैं सामने जो गाय देख पा रहा हूँ काफी हाइट है, लेंथ है और थन की बनावट भी काफी शानदार है। सर इसके बारे में बताएं, क्योंकि एक किसान इस तरह की गाय को पैदा करने में, ये गाय थर्ड लेटिगेशन में है, माने तीसरी बयान है। ओके, और ये अभी 28 लीटर दूध पे है। 28 लीटर तक दूध करती है? हाँ, ये 28 लीटर दूध करती है। अच्छा, काफी शानदार क्वालिटी का गाय आप देख पा रहे हैं। जितनी भी हैवी मिलकर होती है थोड़ी दुबली पतली हो ही जाती है, काफी मेंटेन करना। ये दूध लास्ट बच्चे जब गाभिन भी हो जाती है तो 8 मंथ तक देती रहती है, 2 महीने गैपिंग देती है। सिर्फ 2 महीने गैपिंग? सिर्फ 2 महीने। और दूध इसका बढ़िया। मैं चाहूंगा कि इसको घुमा कर दिखाया जाए। खोले रे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी हाइट में गाय है, जिसका दूध की कैपेसिटी सर बता रहे हैं कि 28 लीटर दूध है, जो कि अभी लगभग एक बज चुके हैं। सर इवनिंग टाइम में कितने बजे दूध निकाला जाएगा? 6 बजे और अभी मॉर्निंग में कितने बजे दूध निकाला गया? 6 बजे। दोनों टाइम दूध निकालने का एक ही? काफी हाइट में गाय है। तीसरी लैक्टिशियन है, दांत में मिल गई होगी सर? दांत में मिली हुई नहीं है, 6 पे है। अगर इस तरह की गाय किसान खरीदना चाहे, जैसे अभी ये कितना दिन हुआ बच्चा? ये बच्चा दिए हुए थर्ड मंथ, 3 महीने हो गए। अगर ये नया में होता और कोई खरीदना चाहता तो 80,000 इसकी दाम लगे। 80,000 रुपए, 80,000 दाम लगेगी। काफी हाइट में काफी बढ़िया गाय। तो आपके पास 125 लीटर में 100 लीटर आपका दूध डेयरी में जा रहा है? डेयरी में जा रहा है। क्या रेट अभी आ रहा है? अभी डेयरी से वो आ रहा है 23 से लेकर 26 का बीच का रेशियो रह जाता है। 23 से 26 26 के बीच का रेशियो। इनको खिलाने में क्या खर्च कर रहे हैं? खिलाने में खर्च में थोड़ा सा अभी ज्यादा हो जाता है, ठंडा के मौसम के चलते दूध कम है, लेकिन खान में कमी नहीं है। खिलाना जैसे चल रहा है वो चल रहा है। क्या क्या दे रहे हैं सर? यहाँ पे हरा चारा भी आप देख पा रहे हैं, जो जई है। तो अभी खिलाने में कितना पर डे या फिर पर डे? हमारा लगभग डे का हिसाब से आइएगा तो 2000 से 2200 मेरा खर्चा है पर डे। पर डे 2000 से 2200। अगर मान लिया जाए सुधा का रेट आपको बढ़िया मिले तो मैं कहीं दूसरे जगह से भी ले सकता हूँ, ये नहीं है जो मैं सुधे से ही बंधन में हूँ। दाना की बात कर रहा हूँ? दाना का नहीं, फिर दाना कहीं से लेकर के इसी अच्छी क्वालिटी मिलेगा तो मैं किसी का खिला सकता हूँ। नहीं, किस चीज के बारे में बात बोल रहे हैं कि मैं किस बंधन में नहीं हूँ? ना मैंने किसी का लेके धर करके ये पकड़ में नहीं हूँ, जो हमको कोई कहे जो यही खिलाइए वो खिलाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी चीज को भी खिलाया जा सकता है, किसी चीज को खिला सकता। सर अब आप ये दूसरी गाय जो आपने बोला इसके बारे में, ये कितना दूध कर रही है? ये भी 24 लीटर। ये 24 लीटर है इसका? हाँ। कितनी बार ब्याह बच्चा दे? ये दूसरी बयान, दूसरी बयान, दूसरी बयान। छोटी कद की गाय 24 लीटर दूध निकाल देती है? 24 लीटर निकाल दे रही है एकदम नेट। यहाँ पे आप पीछे से देख सकते हैं काफी शानदार है, बट छोटी छोटी थन है। यहाँ पे आप देख रहे काफी प्यारा लग रहा है इसका पार्ट, बाट आप देख पा रहे हैं। तो इस गाय को भी हमने घुमाने निकाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफी शानदार क्वालिटी का थन की बनावट, चारों बाट की जो गैपिंग है वो काफी बढ़िया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफी बढ़िया। सर बांध दिया जाए इसको भी, ये 22 लीटर 24 लीटर दूध चलती है। वाह काफी बढ़िया है। इसके नीचे क्या है सर? बच्चा? इसके बछड़ा है। तो यहाँ पे आप बछिया देख पा रहे हैं और एक और बड़ी गाय है जो जिसका दूध लगभग 24 लीटर इसका भी है, इसका तो इसको भी उठाया जाए सर। काफी हाइट वाली गाय है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी शानदार थन की बनावट। सर आपने बताया था मुझे कि लगभग 2200 रुपए खर्च है, अभी दूध कितने का सेल हो जाता होगा? अभी दूध सुल हमारा लगभग नियर अबाउट हो जाता है 3,3200 का दूध डेली का सेल। 3,3200 रुपए आपका दूध से पैसा आता है और लगभग 2,200 मेरा खर्च। यानी कि अभी जो अगर रेट बढ़िया मिले तो थोड़ा और हमारा ज्यादा बचत हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर इसको कितने दिन हो गए बच्चा? इसको ब्याह हुए 3 मंथ। 3 मंथ हो गए। ये कितना अभी दूध कर रही है? ये 24 लीटर अभी भी है। अभी भी 24 लीटर दूध निकाल रही है, काफी बढ़िया। ये मिल गई होगी? ये मिल गई दांत में? ये दांत में मिली हुई है। इनको क्या क्या खिला रहे हैं सर? अभी दाने में क्या क्या दिया जा रहा है? सुधा है, गेहूं का दर्रा है, मसूर का दाल। सुधा में कौन सा? सुधा में कपिला। कपिला खिला रहे हैं, जो कि सबसे बेकार दाना बोला जाता है। कपिला भी है और सुधा भी है। ये कितना दूध करती है?
ये तो अभी 14 लीटर पे 14 लीटर दूध करती है, लेकिन इसका क्षमता था एक मन 20 किलो सुबह 20 किलो 40 किलो दूध 40 किलो ही करती थी एकदम नेट यहाँ जो खाई है इस बयान ये दो बाट ब्लॉक है इसका चौदह अच्छा दो बाट ब्लॉक है दो बाट से ये 40 लीटर दूध कर रही थी चारों बाट उस समय चल चार कितना बार ब्याज की है ये चारों बाट चल रहा है तो कम है मात्रा अच्छा मतलब यहाँ पे 40 केजी दुहाई है दो बियान दुआ एक टन में 20 केजी ये कहाँ की थी बछिया थी घर की थी दरवाजे पे ही गाय का एक बच्चा तैयार खरीदा हुआ नहीं सर देखने में से नहीं लगता कि 40 लीटर दूध निकालेगी कितना सूख गया है कितना दिन बच्चा दिए हुए 5 महीना हो गया ओके तो यहाँ पे भी एक दो गाय देखने मिल रहा है यहाँ पे काफी बढ़िया शानदार पुराने जमाने का आप देख पा रहे हैं जो मिट्टी का खपड़े का बनाया जाता है यहाँ पे ठंड काफी गर्मी के दिन में आरामदायक जगह है। एक और मैं जो बच्चे दिखा रहा हूँ दूसरी इलेक्ट्रिशियन का जो प्रेग्नेंट है तो अब मैं सर से जानना चाहूंगा कि सर आपके पास लगभग 5 बछिया तैयार किए हैं अभी 20 साल में बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं कि बछिया तैयार करना पसंद नहीं करते तो ये चीज आपका क्या कहना है कि बछिया तैयार करने में क्या बेनिफिट है बछिया तैयार करने में वही हम लोग को बेनिफिट बछिया ही बेनिफिट है और दूध से बेनिफिट उतना हम लोग नहीं मानते हैं। साल में कितना बछिया तैयार साल में 6-8 जो प्रोडक्ट हो तैयार कर लेते हैं 6-7 बछिया तैयार हो जाती है अभी कितना तैयार हो अभी 4-5 3 यहाँ पे है 4 एक वहाँ पे बैठी हुई है अच्छा वो एक छोटी वाली 5 वो 5 तो ये तो अभी तो तैयार 4 भर गई है चारों गाभिन हो चुकी है चार गाभिन हो चुकी मतलब हर साल तो 4-5 नहीं होता होगा अब अगले साल कहाँ होगा अगले वर्ष में नहीं होगा हर एक ईयर में नहीं निकल पाता लेकिन कोशिश करना चाहते हैं कोशिश कर रहे हैं मतलब बछिया तैयार करना अपना ये कितने दिन की बछिया होगी ये बछिया लगभग 2-2 साल की मान ली 12-6-18 महीने 18-20 महीने का हाँ 18-20 महीने की बच्चे है तो सर का मैं दाना दिखाना चाहूंगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें गेहूं का दर्रा है और गुड़ डालकर और गेहूं का दर्रा को डालकर इसको पका दिया गया है सभी दूध वाली गाय को 1.5-2 केजी के हिसाब से दे दिया जाएगा है ना क्या है इसमें कड़ुआ खजूर अच्छा कैसे केजी मिलता है ऐसा वाला गुड़ आपके यहाँ 22 रुपए केजी तो बढ़िया है ये गाय के लिए ही है गाय के लिए नहीं एक और रखा हुआ उसमें 2700 सफेद वाला वो थोड़ा पिघला हुआ आता है ये भी गुड़ ही है वो भी गुड़ है अच्छा हाँ ये भी बढ़िया गुड़ है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सूखा चारे का व्यवस्था तो दोस्तों लगभग सारी चीज जान रहे हैं हम और सर आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा पर्सनली आपको काफी एज हो गया इस लाइन में 40 साल आपने बिता दिए और यहाँ तक के सब कुछ बढ़िया बछिया भी तैयार कर रहे हैं दूध भी अच्छा अच्छा पशु भी आपके पास लगभग आपने बताया 25-24 लीटर तक दूध करने वाली रखे हैं 40 लीटर से सुधा में भी दूध दे रहे हैं कुछ लोकल में भी सेल हो रहा है नए लोगों को क्या कहेंगे आप आपके अनुसार क्या करना चाहिए नए लोग में थोड़ी सी भावना गलत हो गई है नहीं तो ये घाटे की रोजगार नहीं भावना कहाँ पे गलत है गलत है जो गोबर लोग छूना नहीं चाहता आज के डेट में अपना से कुछ करेगा नहीं तब तक जानवर रख नहीं पाएगा तो ये आज के डेट में इसको हित दृष्टि से देखा जाता है जानवर पालना जो कि तो करना चाहिए जो कि करने में सब सारे वेद देवता का वास है इसको करने में घाटा का चीज नहीं है शुद्ध प्राप्त अपने आप को होगा खाने में शुद्धता मिलेगा खरीद के खा रहा है तो मुंह पर टेस्ट नहीं आता है तो ये सब चीज कहाँ से मिलेगा मतलब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत अच्छी चीज है लेकिन अपना शौक श्रद्धा होना चाहिए गाय के प्रति श्रद्धा नहीं हुआ तो माल पोसना ही बेकार है तो मैं एक चीज आपने बताया सर शुरू में कि सुधा में ये प्रॉब्लम है फिर भी सुधा को छोड़ना मुश्किल हो रहा है बहुत सारी डेयरी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अमूल डेयरी भी आई हुई है एक वो हम लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है हाँ हमने बात किया था अमूल हमने बात नहीं किया था एक फार्मर बता रहे थे जो कि अमूल डेयरी आ भी गई है और कुछ दिन में पूरे बिहार में आएगी तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्द आए बट सुधा को क्या कहेंगे क्या क्या कमियां हैं सुधा का सुधारने की केवल दूध का चोरी फैट SNF सही से निकलवावे दाम दे तो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं अगर सही से उसका वर्क करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं चोरी बंद हो जाए रास्ते का जो ट्रैवलिंग में चोरी होता है ये सब बंद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं सही है शुरू से देते आ रहे हैं आज से नहीं करीबन 40 वर्ष से देते आ रहे हैं तो आज भी तो दे ही रहे हैं किसानों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है उसके सिवाय वो जितना दूध प्रोडक्ट होता है सारा ले लेता है 2 पैसा कम दे या बेसी दे लेकिन ले तो वही लेता है समस्या नहीं आता बेचने का। तो दोस्तों सर से हमने पूरी जानकारी ले ली है तो बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हमने पूरी जानकारी दी है अगर किसी को भी कोई किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप इनसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं वीडियो के अंदर नंबर दिया गया है थैंक्स फॉर वॉचिंग।